दौसा जिले के लालसोट नगर पालिका के बाहर पट्टा प्रकरण को लेकर बीते 7 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। पहले चिलचिलाती गर्मी और अब भारी बारिश के बावजूद भी धरना स्थल पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहते हैं। इस धरने पर दिनों दिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका की चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति दिनेश मिश्रा के नाम जारी पट्टे को निरस्त करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये भूमि 1000 वर्ग गज के आसपास है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। इस भूमि को नगर पालिका में मास्टर प्लान के तहत इंडिकेट भी किया हुआ है, लेकिन उसी पर नगर पालिका लालकोट ने व्यक्तिगत पट्टा जारी कर दिया, जिसके बाद ये प्रदर्शनकारी लगातार उस पट्टे को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला कहीं से भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर बैठे हो गए हैं। ऐसे में डीएलए में जो दायर अपील पर तारीख की जा रही है, उससे आज लोगों में बड़ा आक्रोश है और शहर के नगर के काफ़ी तादाद में लोग इस धरने को समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए एवं अब ये धरना जितना भी लंबा चले उतना चलाने के लिए हम सब तैयार हैं। ऐसी हमने इस सरकार के खिलाफ जो पहली सरकार है, दूसरी सरकार है, अंधी सरकार है, इनके खिलाफ अब ये धरना तभी समाप्त किया जाएगा जब इस पट्टे को निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस पट्टे में जो लिप्त लोग हैं उनको इनकी जो सजा मिल जाएगी। ऐसे में मैं समाज सेवी रामोपकार जोरवाल आप सभी चैनल वालों से एवं पत्रकारों से विनती करता हूं कि आप भी इस नगर के साथ हो रही धोखाधड़ी में अपनी खबरों के माध्यम से इस बहरी और अंधी होगी सरकार को जगाने का जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही सार्थक है। मैं रामोपकार जोरवाल धरना स्थल से समाज से। बहरहाल अब प्रदर्शनकारियों ने इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना लिया है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक परसादी लाल मीणा की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की अनदेखी करते हुए कहा था कि ये लोग अपने आप ही धरने से उठ जाएंगे, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी धरना जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन लोगों की बात सरकार तक पहुँचती है और कब तक जिम्मेदारों की नींद टूटती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।